हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की, यानी कि हम समझेंगे कि आखिरकार फ्री ट्रेड करने के क्या फायदे हैं, एक इकोनॉमी को क्या क्या इसके फायदे मिलते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई हुई है, तो अगर आपको उन सभी वीडियो को देखना है तो आप दो तरीके से इन वीडियो को देख सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं, तो जो आपके काम का टॉपिक है आप उसे देख लीजिए। और दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको कोई वीडियो देखनी है तो आप उसे सर्च में जाकर उस वीडियो का टॉपिक लिख दीजिए और पीछे मेरे YouTube चैनल का नाम लिख दीजिए। जैसे कि अगर आपको देखनी है कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो पहले आप क्या कीजिए, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन लिख दीजिए और उसके पीछे लिख दीजिए विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और अगर फिर भी आपको कोई वीडियो ऐसी है जो नहीं मिलती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड करने का जो पहला मेरिट है वह है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, किसी देश को तो प्रकृति ने नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं ज्यादा और किसी को दिए हैं कम, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज देने से क्या होता है, उसका यूज करना भी तो आना चाहिए। जैसे बहुत सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन उन वो रिसोर्सेज का वो यूज नहीं कर पाती। तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो वो उसके पास जो एक्सेस रिसोर्सेज हैं वो उन देशों को दे देगा जिसको प्रकृति ने वो रिसोर्सेज नहीं दिए, तो इससे क्या होगा, दोनों ही देशों को फायदा होगा। यानी कि जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं वो उनका यूज नहीं कर पा रहा है, तो वो अगर किसी और को दे दे जिसके पास रिसोर्सेज कम हैं और बदले में कोई और चीज ले ले, तो दोनों को ही फायदा होगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड का पहला फायदा है कि इसकी वजह से जो हमारे अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज हैं उनका पूरा यूज हो पाता है। दूसरा है चीपर गुड्स। देखो, इंटरनेशनल ट्रेड होगा, फ्री ट्रेड होगा, तो आपको चीपर गुड्स इसलिए मिल पाएंगी क्योंकि हम केवल उस गुड्स को बनाएंगे जिसमें हम सस्ते, हम उसे चीपर रेट पे बना पा रहे हैं, और चीन उस चीज को बनाएगा जिसको चीन चीपर में बना पा रहा है, और वापस हम आपस में उस गुड्स को एक्सचेंज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें भी चीपर गुड्स मिलेगी क्योंकि उसको तो हमारे देश में तो वो कॉस्टली बन रही थी, और दूसरे देश में जहां वो सस्ती मिल रही थी वहां से अगर हम ले ले तो इससे हमें क्या मिलेगी, चीपर गुड्स मिलेगी। तीसरा है वैरायटी ऑफ गुड्स। अगर फ्री ट्रेड होगा तो कंज्यूमर को कई तरीके की गुड्स मिल पाएंगी। जैसे मान लीजिए कि आज अगर मोबाइल की बात करें तो अगर मोबाइल की मार्केट में फ्री ट्रेड है क्योंकि हम विदेशों से मोबाइल खरीद सकते हैं, तभी तो आप देखिए आपके पास कितने सारे ऑप्शन है मोबाइल खरीदने के, और ना केवल मोबाइल खरीदने के बल्कि अलग अलग चीजों को खरीदने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपके पास इसलिए हैं क्योंकि फ्री ट्रेड है। अगर फ्री ट्रेड नहीं होता तो आपके पास ये बहुत सारे जो ऑप्शन हैं वो भी नहीं होते। तो ट्रेड फ्री है इसीलिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल पा रहे हैं। अगला है सरप्लस प्रोडक्शन। तो देखिए, कई बार क्या होता है, एक देश अपनी जरूरतों से ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन कर लेता है और मार्केट छोटा होने की वजह से वो सरप्लस प्रोडक्शन उसका बिक नहीं पाता। लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रेड होगा, अगर उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो विदेशों में जाकर भी अपना माल बेच सकता है, तो इससे क्या होगा कि वो विदेशों में अपना माल बेच देगा और जो उसका सरप्लस प्रोडक्शन वो बिक जाएगा। तो सरप्लस प्रोडक्शन अगर उसके पास है तो वो विदेशों में जाकर गुड्स को बेच सकता है और इसका फायदा होगा पूरी की पूरी इकोनॉमी को। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड का एक ये भी फायदा है कि जो आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन है वो आप दूसरे देश में जाकर बेच सकते हो। अगला फायदा है कंपटीशन। देखिए, फ्री ट्रेड होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन में केवल वो देश जीत पाएगा, केवल वो फर्म जीत पाएंगी जो एफिशिएंट लेवल पर प्रोडक्शन कर पा रही हैं। यानी कि आप देखिए, कंपेटिटिव मार्केट में क्योंकि कंपटीशन है तो हर फर्म चाहेगी अपना कस्टमर सर्विस अच्छी करना, अपनी क्वालिटी अच्छी करना, अदरवाइज मार्केट में और फर्म उसके पीछे कर देंगी।
तो फ्री ट्रेड होगा तो कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो हर फर्म चाहेगी अपनी क्वालिटी को, अपने कस्टमर बेस को सेटिस्फेक्शन करना, क्वालिटी को इंप्रूव करना, और इसका फायदा सभी को होगा। तो कंपटीशन बढ़ेगा तो फायदा सभी को होगा। अगला है वाइडर मार्केट। अब देखिए, जितना बड़ा मार्केट होगा आपको प्रॉफिट के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। अगर डोमेस्टिक मार्केट होगा तो आपका ट्रेड केवल इंडिया इंडिया में ही हो पाएगा, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेशन करते हो तो आप अपने देश का सामान बाहर के देशों में बेच सकते हो, यानी कि आपका जो मार्केट एरिया है वो बड़ा हो गया। जैसे आप देखिए, बहुत सारी जो फॉरेन मूवी है वो इंडिया में रिलीज होती है, और इंडियन मूवी भी तो फॉरेन में जाके रिलीज होती है, यानी कि जिसका मार्केट बेस इंडिया इंडिया में होता, फ्री ट्रेड होने की वजह से वो पूरे के पूरे विश्व में जाकर, पूरे के पूरे वर्ल्ड में जाकर मूवी रिलीज हो रही है। तो जो मूवी दिखाने का जो एरिया है वो वाइडर हो गया। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? फ्री ट्रेड की वजह से। अगला है इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन। देखो, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के कई सारे फायदे होते हैं, जिससे उस फर्म को, उस कंट्री को मिलेगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इसके लिए जरूरी है फ्री ट्रेड, क्योंकि फ्री ट्रेड होगा तभी तो एक फर्म लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर पाएगी, और जो प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होगा उसे विदेश में बेच देगी। तो अगर किसी फर्म को लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के फायदे लेने हैं तो उसको फ्री ट्रेड में आना ही पड़ेगा। अगला है पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, फ्री ट्रेड होगा तो उन चीजों को आप इंपोर्ट कर पाओगे जो हमारे देश में नहीं है। जैसे कि आप देखिए, इंडिया में मेट्रो का इंपोर्ट हुआ, अब इंडिया जो है वो बुलेट ट्रेन पे काम करना शुरू कर रही है, तो उसके लिए हमारे पास हो सकता है रिसोर्सेज ना हो, टेक्निक ना हो, तो उन टेक्निक को हम विदेशों से इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हर चीज आपके पास नहीं हो सकती है, तो जो चीज आपके पास नहीं है वो विदेशों से परचेज करने में क्या बुराई है, लेकिन उसका असर ये होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आपका इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना